हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे कि पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम कंप्लीट करा चुके हैं, और उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है हमसे कि एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, और इसमें एक ए सेट दे रखा है और एक बी सेट दे रखा है, और वेरीफाई दैट करना है ये चीज़। तो देखिए, आपको एक बात बता दें इस क्वेश्चन को करने से पहले। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये चीज इसकी इक्वल होगी, ये चीज इसकी इक्वल है, ठीक है, और ये चीज इसकी इक्वल होगी, ठीक है, ये चीज इसकी इक्वल होगी और ये चीज इसकी इक्वल होगी, ठीक है ना। वैसा ही इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, तो इसी अनुसार चलते हैं हम। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, अब ए के पॉइंट्स को इंटरसेक्शन देखना है, कॉमन देखना है ना, ठीक है। तो ए के पॉइंट्स को देखिए, ए और बी के अंदर कौन कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ मुझे दोनों में मिले उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है भाई, इसमें 3 लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 लेकिन इसमें क्या मिल रहा है, सिर्फ हमें 2 मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए के पॉइंट्स लिख लीजिए आप, ए के अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं, 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है, 8 है इसमें लेकिन 8 नहीं है, ठीक है, यही तो है। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, 2, क्या है, सिर्फ 2, तो 2 और इंटरसेक्शन का ये डैश का साइन लगा दीजिए यहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ए डैश और बी डैश बताना है मुझे, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी बताना है। अब ए डैश क्या हुआ, ए डैश को इससे कंपेरिजन कर लीजिए, तो ए के अंदर क्या है, 2, 4, 6, 8, तो 2, 4, 8, 6 को हटा दीजिए इसमें से, तो क्या हो जाएंगे, 1 और 2 है, 3, 4 है उसमें, 5 नहीं है, 6 है लेकिन 7 नहीं है, 8 है लेकिन 9 नहीं है। अब देखिए, अब इसका इंटरसेक्शन ये हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट ये हो गया इसका। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए इसमें क्या होगा, 2 है इसमें लेकिन इसमें 1 नहीं है, 2 है, 3 मिले हैं और 4, 6 लिख दीजिए यहाँ, 7 और 8 और ये 9, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन बताइए मुझे, अब इसका इंटरसेक्शन बताइए, अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए यूनिवर्सल से सेट से कंपेरिजन करिए, इसे क्या होगा, 1, 2 है, 3, 4, 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू लगा दीजिए। अब इसका इंटरसेक्शन देखिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसके अंदर क्या कॉमन है और इसके अंदर क्या कॉमन, इसके अंदर 1 कॉमन है और इसके अंदर 9, तो क्या होगा, 1 और 9। अब देखिए, इसमें इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर ये 9 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में क्या है, अब ये दे रखा है मुझे, ठीक है, अब इसमें जो सेट दे रखा है ना उसे लिख लीजिए यहाँ, तो क्या यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा था इसमें, 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमें सेट दिया रखा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमें, ये मैंने इधर से इधर पलट दिया है, लेकिन इधर मैंने सही कर दिया है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से मैंने ये पलट के लिख दिया है दोबारा। अब इसको मैं लिखना है, अब ए का इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों में देखिए ए और बी के इंटरसेक्शन को कॉमन देखना है, तो ए के पॉइंट्स लिख लीजिए आप, ए के पॉइंट्स थे हमारे 2, 4, 6, 8 और बी के पॉइंट थे हमारे 2, 3, 5 और 7, ये पॉइंट थे हमारे, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब देखिए इसमें क्या, ए इंटरसेक्शन बी, अब ए के अंदर क्या क्या कॉमन है, 2 है इसमें भी, 2 है लेकिन और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 2, अब इसका इंटरसेक्शन निकालिए किससे, यूनिवर्सल सेट से, इजिकल टू। अब इसमें देखिए, इसमें इसका इंटरसेक्शन अलग हुआ, इसका इंटरसेक्शन अलग हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट अलग होगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग टाइप के होगा, तो एक का कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं क्या होगा, एक का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, यहाँ देखते हैं नीचे साइड, तो यहाँ 2 है लेकिन इसमें 1 और 2 है, तो 3 आ जाएंगे, 4 हैं तो 5 आ जाएंगे, 6 हैं तो 7 आ जाएंगे और 8 हैं तो 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका ये इंटरसेक्शन लगा दीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बी का, इसमें 1 है, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 7
सिक्स आ जाएंगे, सेवन एट हैं तो, और नाइन आ जाएंगे यहाँ। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, अब इसका बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले हम। तो बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से मिला लीजिए आप, क्या आ जाएंगे, वन आ जाएगा, टू है तो थ्री आ जाएगा, फोर फाइव सिक्स सेवन और एट और नाइन इज इक्वल टू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, इसमें वन कॉमन है, थ्री कॉमन है, ठीक है, वन है और थ्री कॉमन है, क्योंकि इसमें भी वन है, इसमें भी थ्री है, और इसमें कुछ मैच नहीं हो रहा ना, तो यहाँ लिख देंगे वन और थ्री, और इसके अंदर देखिए इसमें वन थ्री है, इसमें भी वन थ्री है, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, वन थ्री इसमें आ जाएंगे और वन और थ्री इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बी के कॉम्प्लीमेंट्स हो गए ये वाले, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या पूछा है हमसे, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच, हमें ये डायग्राम करना है, और इसके आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, ऑफ द फॉलोविंग, क्या कह रखा है, ऑफ द फॉलोविंग, ये कह रखा है। देखिए अब इसमें क्या करना है, मुझे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको पता हो शायद ये चीज, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैं कम इस चीज को बता चुका हूँ आपको। अब देखिए सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये डायग्राम हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें सपोज करो ये एक सेट दे रखा है और ये एक दूसरा सेट दे रखा है मुझे, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, अगर सपोज मान लीजिए आप इसमें मैंने ये क्या है, ए सेट है और ये बी सेट है, इसमें क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये देख रहे हैं ना, इस चीज को हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए अगर मैंने सपोज इसे ड्रॉ कर दिया, इसे शेडेड रीजन कर दिया मैंने, ठीक है, इसे शेडेड रीजन कर दिया मैंने पूरे को, ठीक है। अब इधर क्या बचेगा, अगर हम इसे फाइंड करें ए यूनियन बी डैश को, तो इधर क्या बचेगा हमारा, देखिए बताते हैं क्या बचेगा, इधर ये एक ब्रे ये सर्किल हो गया, ये एक दूसरा सेट हो गया, ये दूसरा सेट, ये एक दूसरा सेट। अब इसके अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा ना, यही तो बचेगा हमारा। देखिए इसे हम शेडेड रीजन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब बचा क्या, अब यही तो बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए इसी सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट में क्या है, ये है ना वो किसके इक्वल होता है, हमारा ये वाला चीज है जो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सेकंड पार्ट का, यही इसका सेकंड पार्ट का यही आंसर हो जाता है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट का एक ही आंसर होगा, तो देखिए उसे कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसे बैनर डायग्राम से बनाना है, तो डायग्राम बनाते हैं पहले हम यहाँ। देखिए एक ये डायग्राम हो गया आपका और ये इस साइड डायग्राम हो गया, ठीक है, ये दोनों डायग्राम हो गए। तो यहाँ एक एक सेट ये हो गया, मान लीजिए एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। अब सपोज करिए मैंने यहाँ ये शेडेड रीजन कर दिया, ठीक है, अब इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा, इसमें देखिए क्या बचा, देखिए इसमें यही तो बचा हमारा। देखिए इसे शेडेड रीजन कर देते हैं हम ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखिए इसमें ये मैंने सारा शेडेड रीजन कर दिया, अब बचा के ये इसे मैंने नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ए यूनियन बी डैश इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिक्स सिक्स क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज अ प्लेन, हमें सभी ट्राइंगल दिए हैं वो क्या मान लेते हैं हम, यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं उन्हें हम, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, यदि ए इस सेट है ऑल ट्राइंगल का, तो विद लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 विद इज ई डैश, तो हम कह सकते हैं कि ई डैश का एक डिफरेंट एंगल भी तो हो सकता है 60 डिग्री का, हो सकता है ना,
तो ये क्या है, अब इसके आंसर में क्या होगा, देखिए जब हमें सभी के दे रखा है तो हमें इसमें एक डिफरेंट बताना है, तो डिफरेंट में क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे ई डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा आपका। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है हमसे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आ ट्रू स्टेटमेंट। देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसने ये क्या, ये सभी सही स्टेटमेंट दे रखी है मैंने, ये सभी ट्रू स्टेटमेंट मैंने दे रखी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है कि जो ए यूनियन ए डैश है, अगर सपोज करिए यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं हम, आंसर तो बहुत छोटे छोटे दिए हैं इस वजह से, ए का डैश 1 2 3 4 दिए, और इसका मुझे ए डैश निकालना है, इसका एक डैश बताना है, इसके अंदर दिए हैं 3 4 5 6 7, तो ये किससे बिलोंग करेंगे, सभी यूनिवर्सल सेट से ही तो बिलोंग करेंगे हमारे सब, क्योंकि जितने भी इसमें डिजिट होंगे ए या ए डैश में वो किस में मिलेंगे, सारे यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड क्या, फाइव डैश ए, तो फाइव फाइव है ये, इसके अंदर तो कोई भी जीरो एलिमेंट, कोई से एलिमेंट नहीं होता। अब ए की बात आई, तो ए की बात क्या है, इसके अंदर ये इतने एलिमेंट हैं, ये इतने डिजिट हैं ना हमारे, तो इतने डिजिट जब हैं तो क्या होगा इन डिजिटों में, तो इसका आंसर क्या फिल हो जाएगा, ए, क्योंकि इसी के अंदर तो यही तो है, हमें इनकी इन्हीं दो की बात तो करनी है बस, और तो किसी की बात नहीं करनी। अब देखिए इसमें ए इंटरसेक्शन ए डैश, हाँ इसमें थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे हम, फाइव डैश इंटरसेक्शन है, फाइव डैश इंटरसेक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको, अगर हम देखते हैं फाइव के अंदर तो कुछ नहीं है, फाइव के अंदर तो कुछ नहीं है ना, अब इसके अंदर क्या क्या है, अब इसके अंदर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन मिले कोई चीज़, तो कॉमन तो कोई चीज़ है नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर ए सेट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब ए इंटरसेक्शन और ए डैश, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या कोई भी चीज़ कॉमन मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई साहब, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी इसमें, कोई कोई डिजिट। अब देखिए इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट और ए सेट, इन दोनों के अंदर कॉमन बताइए भाई, कॉमन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फाइव, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, और वीडियो को लास्ट लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।